नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर डायरेक्टर के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रखी है। वे लगातार ट्वीट कर फिल्ममेकर को अपने निशाने पर ले रही है और कई चौंकाने वाले दावे कर रही है। इसके साथ ही एक्ट्रेस पायल घोष ने कई राजनेताओं से भी न्याय की गुहार लगाई है और सुरक्षा देने की मांग की है। आपको बताते चले कि अब इस विवाद में उन्होंने पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का भी जिक्र किया है। पायल घोष के मुताबिक अनुराग संग हुए विवाद पर उन्होंने पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान से बात की थी। दरअसल अनुराग कश्यप के खिलाफ लगातार ट्वीट करने के बाद एक्ट्रेस ने इस केस में इरफान पठान का भी जिक्र किया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्होंने इस केस के संदर्भ में इरफान पठान से भी बात की थी। पायल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पायल ने कई ट्वीट्स किए हैं, इसमें से एक ट्वीट में लिखा, मैंने बेशक न बात की हो कि मिस्टर कश्यप ने मेरा रेप किया, लेकिन मैंने इरफान पठान के साथ उनकी बातचीत सहित सब कुछ शेयर किया था। सब कुछ जानते हुए भी वो चुप हैं। कभी वो मेरे अच्छे दोस्त होने का दावा करते थे। इस ट्वीट से पहले उन्होंने इरफान पठान को टैग करके उनके साथ तस्वीर भी पोस्ट की है। साथ में लिखा है, इरफान पठान को टैग करने का मतलब ये नहीं कि मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट है, लेकिन वही एक इंसान है जिनसे मैंने अनुराग कश्यप के बारे में सब कुछ शेयर किया था। रेप की बात को छोड़कर मैं जानती हूं कि वो अपने फेथ और बुजुर्ग पेरेंट्स पर यकीन रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि मैंने उनको जो भी बताया था वो उस बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, एक्ट्रेस पायल घोष ने इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा से भी बात की थी। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने रामदास आठवले से भी मुलाकात की। साथ ही एक्ट्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मदद की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर पायल घोष का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में वो बता रही है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा है कि वे न्याय की लड़ाई को जारी रखने वाली है। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक दोषी को सजा न मिल जाए। आपको बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष ने 19 सितंबर को एक ट्वीट कर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि अनुराग कश्यप ने साल 2013 में वर्सोवा के यारी रोड स्थित एक जगह पर कथित तौर पर उनका रेप किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।